हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 आज थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ ऋतिक ने लगभग 2.5 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। ऐसे में काफी समय से ऋतिक के फैंस को उनकी इस फिल्म का इंतजार था, जो कि आज खत्म हो चुका है। बता दें कि फिल्म ने रिलीज होते ही धूम मचा दी है। दरअसल फिल्म देखते ही ट्विटर पर फैंस ने जमकर ऋतिक की तारीफ की है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। Super 30, what a movie on teacher and what a performance by Ritik, very inspiring and something which calls for action. I'm so happy that industry is making movies on Indian superstars, both now and historical. A great way to communicate with youth. Thanks. Hangout Samshera mein Ajay hai, kya zabardast background diya hai Super 30 ko. Ritik, you beauty, best movie. Love letter and feelings in binary codes and calculus is too good a scene. Ritik, you are such a brilliant actor in the Bollywood, and the way you acted and used Bihari accent was incredible. I suggest my Indian friends to go and watch this, such an inspiration movie. From my side, 5/5. First day, first show in Qatar. Super 30, your public is enjoying this movie. Happy for Ritik. Ritik sir, thank you so much from the bottom of my heart for doing this movie and making all the Biharis around the world so proud. Thank you so much for breaking the stereotype. Thank you so much, sir. Love you a lot. It's an interval of Super 30, and I must say, this is the best film of Ritik. Sir, kya kiya aapne? Garda uda diya. My God, every single artist nailed it with performance. Tears, happiness, thrilling, laughing. Blockbuster. तो देखा आपने, दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। हर किसी ने ऋतिक की जमकर तारीफ की है। कहना गलत नहीं होगा कि भले ही ऋतिक 2.5 साल बाद फिल्म लेकर आए हो, लेकिन उन्होंने सुपर 30 के जरिए फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। फिल्म में ऋतिक ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार का रोल निभाया है। पहली बार किसी फिल्म में ऋतिक ने इस तरह का रोल निभाया। बिहारी बाबू के रोल में वो एकदम फिट लगे हैं। फिल्म देख कर साफ लग रहा है कि ऋतिक ने इस रोल के लिए काफी मेहनत की। विकास महल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ऋतिक के अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज त्रिपाठी भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत अच्छी लगी, बहुत इमोशनल फिल्म थी, बड़ा मजा आया देखकर। और स्पेशली नंदिश इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, हम दोनों ने साथ उत्तरण में काम किया था, तब से जानता हूँ उसको। एंड आई वांट टू विश हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मैं तो बहुत रोया हूँ फिल्म में थ्रू आउट। इनफैक्ट इंटरवल में मैं विकास को भी मिला था, तो मैं तो जाके उसको हक कर लिया कि मैंने उसको कहा कि यार व्हाट अ फिल्म। एंड व्हेनेवर आई मीट ऋतिक सर नेक्स्ट, वो डांस दीवाने पे आए थे फॉर द प्रमोशन, तब मैंने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन अगली बार जब भी मिलूँगा जाके गले मिलूँगा फॉर जस्ट फॉर बीइंग द एक्टर दैट ही इज़। की इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना जेन्युइन इमोशंस थ्रू द फिल्म हैज़ बीन जस्ट अमेजिंग। और मुझे, मैं आनंद कुमार जी से मिला फिल्म के पहले, तो वो और उनकी वाइफ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ के आप फेवरेट एक्टर हो, मिले जब हम तुम देखती थी वो, तो मैंने कहा थैंक यू। और उन्होंने पिक्चर्स के लिए, उनकी पूरी फैमिली आई और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आनंद कुमार हूँ, तो मैंने कहा हाँ सर आप ही के ऊपर फिल्म बनी है, मैं मतलब वेरी हैप्पी टू मीट यू। लेकिन फिल्म देखने के बाद आई एम सो ग्लैड कि मैं आनंद कुमार से मिला और मैं उनको इंटरवल में भी जाके गले लग के आया। मैंने उनको कहा सर मतलब आप जो शिक्षक हो और आपने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, एंड हैट्स ऑफ टू हिम यार, आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ। गॉड ब्लेस हिम एंड एवरीबॉडी। इफ यू डोंट वॉच सुपर 30, यू नेवर वॉच्ड अ फिल्म, प्लीज़ कम वॉच इट। थैंक यू। मतलब माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो। एंड वो इस स्क्रीन पे भी थे हमारे साथ, मूवी साथ में देख रहे थे। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड मतलब आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट,
एंड जब पता चला रियल लाइफ हीरो मतलब ही इज जस्ट अमेजिंग एंड द वर्क ही इज डन एंड हैज़ बीन डूइंग टिल नाउ इट्स अमेजिंग फैबुलस परफॉर्मर्स सारे के सारे हर एक परफॉर्मर आई थिंक एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था फिल्म का द किड्स ऋतिक मृणाल नंदेश आई थिंक ऑल ऑफ देम दे वर सो गुड एंड आई एम सो ग्लैड टू वॉच सच अ नाइस फिल्म आफ्टर सो लॉन्ग थैंक यू सुपर सुपर वेरी इंस्पायरिंग वेरी मोटिवेशनल बहुत अच्छी लगी टू गुड ही इज टू गुड आई थिंक इट्स ऑल्सो द डायरेक्टर हू इज ब्रॉट आउट सच अ गुड परफॉर्मेंस सो बहुत मजा आया ओ ही इज एक्सलेंट सुपर एवरीबडी इज वेरी गुड आई थिंक इट्स परफेक्ट कास्टिंग परफेक्ट क्रिएशन एंड एवरीथिंग इज ऑसम 5 out of 5 इफ देयर वाज 6 आई वुड हैव गिवन 6 out of 5 मुझे बहुत अच्छी लगी आई रियली डिडंट थिंक कि एक फिल्म जिसका डॉक्यूमेंट्री वाला सब्जेक्ट हो उसको इतना ज़्यादा कमर्शियली और इतना एंटरटेनिंगली दिखाया जा सकता है एंड आई थिंक विकास बल इज़ रियली आउटडन हिमसेल्फ एंड सो इज़ ऋतिक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा उनकी एक्सेंट में या उनकी फिजिकैलिटी में रियली इट वॉज टोटल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट प्लस अ मैसेज अच्छा था बहुत अच्छी लगी एक्सीलेंट मूवी नो नो शी सेड इट ऑल सॉरी वेरी गुड एक्सीलेंट एक्टर उससे आगे कुछ और नहीं है नथिंग एल्स कुछ नहीं कहना चाहूंगा बस थैंक यू अनबिलीवेबल मैं एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक अ फैन मैं आनंद सर को मिलना चाहती हूँ उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ खींचना चाहती हूँ वो हमारे साथ थिएटर में थे और वो वहाँ से निकले हैं एंड आई वॉन्ट टू गो एंड गिव हिम अ बिग हग एंड माइंड ब्लोइंग व्हाट अ लाइफ एक ऐसी कहानी है मतलब सबको देखनी चाहिए इट्स ब्यूटिफुल अनबिलीवेबल बहुत अच्छा काम किया है तो जैसे ही मूवी ख़त्म हुई और पीछे देखा आनंद सर थे और ऋतिक आई थिंक उन्होंने एक एक चीज़ पकड़ी है उनकी बिकॉज व्हेन ही वाज स्टैंडिंग देयर यू कुड यू नो देयर वाज नो डिफरेंस इन बोथ सो फैब्यूलस फिल्म क्लियरली एवरीवन इज़ ओवरवेल्म्ड हम मूवी ख़त्म होने के बाद भी खड़े रहे कोई हिला ही नहीं सो ब्रिलियंट फिल्म आपको भी देखनी चाहिए थी अरे देख ली वेरी गुड चलो मतलब अभी फ़िलहाल मैं स्पीचलेस हूँ मुझे मेरे टीचर्स याद आ रहे हैं यू नो लाइक इट्स अनबिलीवेबल सो इट्स अनबिलीवेबल 30 IIT यू नो लाइक हमने अभी तक सुना था न्यूज़ में सुना था और आज उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं विद द मैन हिमसेल्फ तो इट्स आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मूवी देखने का मौका मिला और वो भी उनके साथ मतलब एक ऑडी में बैठ के और नंदिश वाज सुपर he was looking so charming and Ritik though god my I swear like the performance jo unhone diya hai kamal ka performance thank you बताएंगे इंडिया सलाम लगाएगा सबसे लंबा छलांग मारेंगे हम लोग यस यस सर कौन छलांग लगाएगा सर हम लगाऊंगा मैं लगाऊंगा सर मैं लगाऊंगा और अगर कोई बोलेगा कि हम छलांग नहीं लगा सकते तो
जबरदस्ती लगवा दो। नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे पता है, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई। आई थिंक सब लोग को जाके देखनी चाहिए। इन बच्चों ने जो मेहनत किया है, जो यू नो जो आप स्क्रीन पे देखेंगे वो असली में ये सब फील करते हैं। और जब हम देखते हैं, और जब मैं कहानी सुनता था तो मुझे लगता था मेरी कहानी है। तो खूबसूरत लड़कियां भी हैं, चारों को हम एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो हम बातें कर रहे थे कि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए आप लोग के फिल्म सुपर 30 को रिलीज होने में, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड है कि मूवी कल आएगी, कल कैसा रिव्यू मिलेगा इसके लिए। हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बस एक तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अब देखते हैं दर्शकों को हमारी मूवी कैसे लगती है। हमें तो बहुत अच्छी लगी, और थैंक्स विकास सर को जिन्होंने हम लोगों को कास्ट किया, बहुत ज्यादा धन्यवाद, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। आप बताइए, आप बहुत रो रहे हो, मतलब इमोशनल भी है। हां, हमारे हमने जब भी हमने सीन देखा अपना तो रोना आ गया हमें, क्योंकि वो हम कर चुके हैं पहले और अभी वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो अब यही है कि जब पब्लिक वो देखेगी तो कैसा रिव्यू आता है। हमें तो बहुत ही अच्छी लगी मूवी, हमने जो काम किया हम तो सेटिस्फाइड है, बट पब्लिक क्या कहती है वो देखना है। जी, हमको मींस आई थिंक कि जितनी मूवी हमें पसंद आई है काम करके, उतनी ज़्यादा जनता को भी पसंद आने वाली है। और मूवी इतनी यू नो पावरफुल है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस है, सब कुछ है मूवी में। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है एंड पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि पब्लिक को पसंद आए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो। और हम लोगों ने छलांग लगा दी है।